फिल्म बहुत ही अच्छी है। कार्तिक आर्यन का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है फिल्म में। कार्तिक आर्यन का रोल बहुत अच्छा है और वो विजय राज का रोल बहुत अच्छा है। कहानी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी है और लोगों को पसंद आएगी। कार्तिक आर्यन को कह सकते हैं कि काफ़ी अब वो वर्सटाइल हो गए, जो उनका एक चॉकलेटी बॉय वाला लुक था और उसके बाद अब उसके बाद वो लग रहा है कहीं ना कहीं अपने कम्फर्ट जोन से निकल करके बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मतलब असली लाइफ में भी लागू होता है कि जिंदगी में कभी हार मत मानो, चाहे हाथ पैर टूट जाए, चाहे पूरा पैसा खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए। पांच में से क्या स्टार देंगे? 4.5 स्टार तो मैं दूंगा ही, 4 तो एक्चुअली मार्क्स होने ही नहीं चाहिए, लेकिन 4 दूंगा मैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। फिल्म बहुत ही अच्छी है। कार्तिक आर्यन का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। क्या बेस्ट लगा फिल्म में देखते वक्त? मुझे कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा, साथ में विजय राज का काम भी बहुत अच्छा है। कहानी वगैरह कैसी है फिल्म की? बहुत ही मज़ेदार है, इंस्पायर करती है। उनकी जो जर्नी दिखाई है फिल्म में बहुत कमाल की है। मुरलीकांत पेटकर जी के बारे में क्या कहना रहेगा? मतलब अनसंग हीरो है जिनको भी सेलिब्रेट किया है बड़े स्क्रीन पे, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। क्या बात है, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा फिल्म देखने के लिए? कि हमेशा मेहनत करते रहो, अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो हमेशा एक जिद होनी बहुत ज़रूरी है। 5 में से क्या स्टार देंगे? 4.5 स्टार तो मैं दूंगा ही। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी लगा फिल्म में। क्या क्या फिल्म में? कार्तिक आर्यन का रोल बहुत अच्छा है और वो विजय राज का भी रोल बहुत अच्छा है। और कहानी वगैरह कैसी फिल्म की? कहानी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी है और लोगों को पसंद आएगी। क्या कहना रहेगा मुरलीकांत पेटकर जी के बारे में बताया गया है, क्या कहना रहेगा? ये बहुत अच्छी बात है कि फिल्म के माध्यम से उनको लाया गया सामने और इसके पहले कोई जानता नहीं था उनको, लेकिन फिल्म के माध्यम से उनकी कहानी बताई गई है और बहुत बड़ी बात है जी। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? लोग इस फिल्म को देखना चाहिए, प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला लोगों को मिलता है। और फिल्म को लोग कैसा काम लगा है? बहुत अच्छा, शानदार काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। गाने वगैरह फिल्म के कैसे हैं? ठीक है, अच्छे लगे गाने, लोगों को पसंद आएगी, जरूर अच्छी रहेगी फिल्म। लोगों को क्या स्टार देंगे आपके? 4। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है, अगर बात करें स्क्रीन प्ले की, स्टोरी की, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और उसके साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी ओवर दिखाई गई है, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ों को एक साथ मर्ज करके जो सम अप दिखाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। और आई थिंक जो लोग गिव अप कर देते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट मूवी है। कार्तिक आर्यन के बारे में क्या कहना रहेगा? इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए, तारीफ मिल रही है, उसके बारे में क्या कहना रहेगा? ऑफकोर्स कार्तिक आर्यन को कह सकते हैं कि काफ़ी अब वो वर्सटाइल हो गए, जो उनका एक चॉकलेटी बॉय वाला लुक था और उसके बाद अब उसके बाद वो लग रहा है कहीं ना कहीं अपने कम्फर्ट जोन से निकल करके बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पेटकर जी के बारे में क्या कहना रहेगा? अनसंग हीरो है जिसको बड़े स्क्रीन पर सेलिब्रेट किया है। ऑफ कोर्स मतलब उनके बारे में आई डोंट थिंक सो कि उनके जनरेशन के लोग भी उनको जानते होंगे ठीक से, लेकिन अब जो जेन जी किड्स हैं वो भी उनको जानने लग गए। और जो कहने वाली चीज़ है कि अभी तक उनके रिब में बुलेट फंसा हुआ है, फिर भी उनका जो चीज़ें हैं वो कभी भी ऐसा गिव अप नहीं किया और अपने गांव तक के लिए लड़े, हर चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए लड़े, तो आई थिंक ये उनका एक बेस्ट पार्ट है जिससे आज के यूथ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। क्या कहना रहेगा जिस तरीके से फिल्म में एक मेल लीड फिल्म है, जैसे कि हमने अक्सर देखा कि बॉलीवुड में सो कॉल्ड बॉलीवुड में ग्लैमर होता है, फिल्म फीमेल भी होती है, इसमें मेल लीड फिल्म है जिसमें कोई ग्लैमर या फिर आई थिंक बॉलीवुड को अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है कि जो आज की जनरेशन है उसको सिर्फ ग्लैमर देकर के आप स्टोरी नहीं बेच सकते हो, जब तक स्टोरी एक मेन मोटिव वाली स्टोरी नहीं रही। और अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड इस तरफ बढ़ रहा है। आई थिंक जो लोग छोटे छोटे चीज़ों पे गिव अप कर देते हैं कि यार अभी ये नहीं हुआ तो अभी बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए कार्तिक आर्यन की ये जो मूवी आई है चंदू चैंपियन, वो काफ़ी इंस्पिरेशनल रहेगी कि हर बार उनको एक चीज़ से प्रॉब्लम हुई, हर चीज़ों से प्रॉब्लम हुई, बावजूद भी इसके उन्होंने गिव अप नहीं किया। और आप देख सकते हो कि उनका नहीं गिव अप करने का जो स्पिरिट था आज उन्हें पद्म पुरस्कार मिला। डायरेक्टर है चाहे फिर वो भाईजान बनाए, चाहे वो दूसरी 83 बनाए, लेकिन है ना मुझे 83 से ज़्यादा ये फिल्म अच्छी लगी। उसकी वजह ये कि 83 में एक मतलब फेमस क्रिकेटर्स थे, लेकिन इस पिक्चर के जरिए उन्होंने एक ऐसे इंसान को सामने लाया है जो कि बहुत टैलेंटेड थे, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनकी स्टोरी कहीं थी नहीं,
लेकिन उसको बहुत अच्छे से पेश किया है वो कार्तिक आर्यन ने। तो पिक्चर मतलब बहुत अच्छी बनाई है और शायद मेरे को लगता है वो खुद बोलेंगे कि ऐसा पीस वो वापस नहीं निकाल पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई। ऐसा कौन सी एक लेसन आप फिल्म से लेके जा रहे हो अपने साथ? यही कि मतलब असली लाइफ में भी लागू होता है कि जिंदगी में कभी हार मत मानो, चाहे हाथ पैर टूट जाए, चाहे पूरा पैसा खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो कभी हार मत मानो जिंदगी में, क्योंकि ऊपर वाले ने अगला स्टेप क्या रखा है ना अपने को नहीं माना, और घर वालों से ज्यादा बाहर वाले साथ देते। तुमने अब देखा होगा कि घर वाले चले जाते हैं उसको छोड़ के, लेकिन बाहर उसका कोच जो विजय राज बने हैं वो उसको एंड तक साथ देते। वो फ्रेंड जिसने उसको हाथ दे, फ्रेंड मरते तब तक साथ देते हैं। माँ बाप जो पाल पोस रहे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन दोस्त कोच तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर घर वालों ने साथ नहीं दिया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बाहर वाले उससे भी ज़्यादा साथ देते हैं। बस अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी ले सकते हो बिना टांगों के। मुकाबले क्या कहना रहेगा लोगों से, क्या दरख्वास्त? बहुत ज़रूर आना चाहिए पिक्चर देखने, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, या कार्तिक आर्यन के फैन है तो वो भी देखने तो आएंगे ही, लेकिन नया कार्तिक आर्यन देखने को मिलेगा इसमें, और एक अच्छी सीख मिलेगी कि जिंदगी में सिर्फ मतलब सोचो मत, उस पर अमल करो तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। ये इस पिक्चर में दिखाया है। और पांच में से सिनेमा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब मैं तो चार दूंगी। एक तो मुरली जो असली है और जो मुरली जो पिक्चर में है, दोनों का काम बहुत अच्छा है, और मतलब हम लोग उसके बोलने के लायक भी नहीं है। तारीफ उनकी चांद सूरज जैसी है, तो उन लोग के लिए तो एक्चुअली मार्क्स होने ही नहीं चाहिए, लेकिन चार दूंगी मैं। थैंक यू सो मच मैम।